हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ अरुण। आज मैं बनाने वाला हूँ गोवन फिश करी, जो कि मैं अपने नीस के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू। गोवन फिश करी बनाने के लिए हमने लिया है सुरमई फिश, किंग फिश या किंग मैकरल, करीब 300 ग्राम। इसके अलावा हमने लिया है सॉल्ट, हमने लिया है टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, मस्टर्ड सीड, धनिया सीड, जीरा सीड। इसके अलावा हमने लिया करीब एक मीडियम साइज़ का पकी हुई टमाटर, स्लाइस की हुई रफली, दो मीडियम साइज़ का प्याज है, ये भी रफली स्लाइस किया हुआ है, और करीब 4 से 5 गार्लिक की फली है, और जिंजर 1 इंच की है, स्लाइस कटी हुई है। इसके अलावा हमारे पास है कोकोनट मिल्क, हम यूज़ करें मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे तो कोई दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हमने लिया है टैमरिन पल्प, इसमें आप चाहे तो कोकम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकम हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं टैमरिन यूज़ कर रहा हूँ, टैमरिन पल्प। इसके अलावा मैं यूज़ कर रहा हूँ करी लीव्स, रेड चिल्ली एंड स्टार एनिस। सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करने के लिए हम डालेंगे 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1 पिंच रेड चिल्ली पाउडर, और हम डालेंगे करीब थोड़ा सा नमक, और फिश को हम मिक्स करके छोड़ देंगे जब तक कि हमारा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गोवन फिश करी का बेस सॉस। इसके लिए हमने पैन में डाला है मस्टर्ड ऑयल, करीब 30 से 40 ml। मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा स्मोक कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई चिली, एक स्टार एनिस छोटा सा। इसमें मैं ऐड करूँगा 2 टीस्पून साबुत धनिया, और ऐड करूंगा करीब 1 टीस्पून जीरा। धनिया हमेशा जीरा से दुगुना होगा। जैसे ही मसाले में क्रैकल होना स्टार्ट हो, हम इसमें ऐड करेंगे अपना प्याज। मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे ही प्याज डालें थोड़ा सा नमक डाल दिया करें। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का जैसे ही पिंक होगा, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे पास स्लाइस गार्लिक और जिंजर कटी हुई थी, ताकि वो पक जाए। तो हमारा प्याज हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, करीब 1.5 टीस्पून। हम डालेंगे करीब 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड करीब 1/2 टीस्पून नमक। मसाले को हम पका लेंगे थोड़ा। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर। प्याज और टमाटर करीब 4-5 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि टमाटर पकना स्टार्ट ना हो जाए। मैं डालता हूँ करीब थोड़ा सा पानी, ताकि टमाटर पक जाए। देख सकते हैं हमारा मसाला पूरा भुन चुका है, अब हम इसे निकाल के ठंडा करके हम इसका बनाएंगे प्यूरी। इसे हम जार में डाल के इसको हम पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा पानी ऐड कर सकते अगर चाहिए तो। हमने अपना जो गोवन की जो ग्रेवी थी उसको पीस लिया है, अब हम बनाएंगे गोवन फिश करी। उसके लिए हमने ऐड किया करीब 30-40 ml मस्टर्ड ऑयल अगेन। तो पहले स्मोक कर लेंगे, अगर आप चाहें तो इसी ऑयल में मच्छी को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई नहीं करूँगा, मैं इसको रॉ डालूँगा। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे मस्टर्ड सीड करीब 1 पिंच, जैसे ही मस्टर्ड सीड क्रैकल हो हम इसमें ऐड करेंगे एक सूखी लाल मिर्च, हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता, अब हम डालेंगे अपना गोवन की प्यूरी जो हमने मसाला भुना था।
थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने। अब हम इस ग्रेवी को थोड़ा पकाएंगे। इस सॉस को थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे, करीब 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि जो ऑयल है वो ऊपर आना स्टार्ट ना हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगा 1/2 कप पानी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा कोकोनट मिल्क, ये मैं ऐड करूंगा करीब 4 से 5 टेबल स्पून। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूंगा टैमरिंड पल्प, करीब 3 से 4 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना फिश। अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि फिश हमारा पक ना जाता। तो हमारा जो फिश करी है आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे 1 पिंच शुगर और हम इसको मिक्स करेंगे। हमारा फिश करी पूरा रेडी है सर्व करने के लिए। देख सकते हैं पूरा ऑयल आ चुका है ऊपर। तो गोवन फिश करी सर्व करने के लिए रेडी है। ये वन ऑफ माई बेस्ट फिश करी में से एक है। प्लीज़ इसकी रेसिपी ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेफ अरुण। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कॉमेंट।